खेसारी, निरहुआ और पवन सिंह भोजपुरी गानों से शिव को मनाने में जुटे हैं। जी हां, यूट्यूब पर इनका गाना खूब वायरल हो रहा है और दर्शक इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। इस महीने 17 जुलाई से श्रावण का महीना शुरू होने वाला है। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कर पाना बड़ा ही आसान होता है। सावन भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है। श्रद्धालुओं के जैसे ये पावन महीना भोजपुरिया गायकों के लिए भी गोल्डन टाइम होता है। करीब 2 महीने पहले से ही वह भगवान शिव पार्वती वैद्यनाथ धाम का गुणगान करते हुए धड़ाधड़ गाने और एल्बम निकालने लगते हैं। कैसेट के बाद सीडी से लेकर अब डिजिटल युग में सुपरहिट भोजपुरी गायकों पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा के गाने आपको हर जगह छाए हुए मिलेंगे और राह चलते कहीं भी बोलबम के गाने सुने जा सकते हैं। गायिकाएं जैसे प्रियंका सिंह, अनु दुबे अभिनेत्री से गायिका बनी अक्षरा सिंह भी अपने बोलबम के गाने रिलीज करती हैं। ज्ञात हो कि शिव के भक्ति गीत को बोलबम गीत या कांवरिया गीत के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का कारण है कि ये गाना झारखंड के देवघर जिले में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के लिए समर्पित है। सावन के महीने में इस तीर्थ स्थान पर मेला लगता है और श्रद्धालु पास के जिले सुल्तानगंज से बह रही गंगा से गंगा जल कांवर में लेकर उसे बिना भूमि से स्पर्श कराए 105 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर या वाहन से तय करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। ये समर्पण और अटूट श्रद्धा का त्योहार है, इसलिए गायकों के गानों की काफी धूम रहती है। हर साल के जैसे इस साल भी काफी गाने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगे हैं और लोग सुनने भी लगे हैं, क्योंकि बोलबम जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ ऑल टाइम सुपरहिट गाने हैं जो हर साल सुने जाते हैं और YouTube पर इनके काफी व्यूज भी हैं। खेसारी का डिजिटल सुपरस्टार कहलाना व्यर्थ में नहीं है। उनके गाने भी रातों रात करोड़ों लोगों द्वारा देखे और सुने जाते हैं, इसलिए हर म्यूजिक रिकॉर्ड लेवल उनसे गाना गवाने के लिए लाइन में लगा रहता है। उनका एक गाना जो करीब 6 करोड़ लोगों द्वारा देखा जा चुका है, अब भी काफी सुना जाता है। इन गानों में उनके साथ कई फिल्मों में हीरोइन रही रितु सिंह भी है, जिन्हें भोजपुरी की चुलबुली हीरोइन कहा जाता है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।